वॉइस ऑफ एशियंस देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। एक चीज की तो तारीफ करनी पेगी कि जिथे संडे वाले दिन सारे लोग अपने अपने घर रेस्ट कर रहे हैं, उत्थे ही लुधियाना दे पुलिस दे जॉइंट सीपी रूरल डॉक्टर सचिन गुप्ता की टीम पूरी तरीके नाल मुस्तैद है। तो संडे होने के बावजूद अज उन्होंने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुई, एक थाना लुधियाने का डाबा थाना, उस एरिए एक नकली CIA का पुलिस नकली पुलिस का गिरोह सरगर्म सी जिहदा पंडा फोड़ किया, तो दूजा डेलो पुलिस थाने के एरिए कारां नू चोरी करके ते अगे वेचण वाला एक गिरोह सरगर्म सी। दोनों ही गैंग्स का पंडा फोड़ किया। तो आओ देखते हैं जॉइंट CP ते नाल उन्हां दे अधिकारियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साढ़े साथी सुकृत बस्सी ने जिहड़ी कवर की है। नशे के खिलाफ अपा एक जो मुहिम चल रही थी तो उसके तहत पे अपा एक चोरी की मुहिम भी चला रही थी है। तो उत्थे साड़ी इलाके गड्डी चोरी हुई सी, होंडा गड्डी है PB30R1975। तो जो गड्डी नू अपा बैक ट्रेस कर रहे थे चोरी की वारदात, तो एक चोर फड़ा गया गुरिंदर सिंह। तो जब चोर नू फड़ा गया तो उसके नाल उसका पूरा गिरोह फड़ा गया। तो इन्हां दे साथ एक बंदे की और गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है धर्मेंद्र सिंह। इन्हां दे गैंग दे दो बंदे फरार हैं, आपां उन्हूं जल्द फड़ लाँगे। एक का नाम अमृतपाल हैगा, दूसरे का नाम हैगा दिलविंदर सिंह। तो जब इन्हां दी पीछे आपां तहरीर कर रहे सीगे, इनके कर रहे सीगे, तो ये जो मुखी है इन्हां दा उस पर 9 परचे, जिसमें से एक परचा मर्डर का भी है तो एक लड़ाई झगड़े का भी है। बाकी जो धर्मेंद्र है उस पर 17 परचे हैं, तो जो अमृत है उस पर 7 परचे हैं, और जो तीसरा वाला है उस पर भी लगभग 10-12 परचे उस पर भी हैं। तो ये 2015 तो ये काफ़ी गड्डियां नू आइडेंटिफाई करते सीगे, उन्होंने शिनाखत करके उन्होंने वेखते सीगे कि ये गड्डी का मालिक कोई है नहीं, तो इन्होंने चोरी करके ले जाते सी। जे गड्डी बिक गई तो बिक गई, कि नहीं बिकी तो उन्होंने कट के जेडे पार्ट्स हैं स्पेयर मार्केट में बेच देते सी, जे नहीं बचते तो उन्होंने स्क्रैप में बेच देते। और एक इस दे नाल अपना काफ़ी चोरिया की 4-5 चोरिया की गड्डिया भी सानू रिकवर हुई हैं, 2 मोटरसाइकिलों भी रिकवर हुई हैं। तो आप एक जड़ी गिड्डी चोर गिरोह हैगा उत्ते ठंड पाई है साढ़े लिए बड़ी। 17 परचे परचे सारे चोरिया नहीं के अलग अलग कुछ एक्साइज के पीछे लिखे हुए हैं, एक्साइज दे भी हैं, चोरी दे भी हैं, और भी परचे हैं जी। अरे आप गुरिंदर की बात कर रहे हो, गुरिंदर ऐसे क्या बच्ची बना? ये तुझे जब जानते हो टेररिज्म दौरान कैट होते थे, शिनाखत करके चोरी कर रहे थे लगभग 2015 से या ये करते आ रहे हैं। एंड ये जाके गड्डी में बेचते थे, एक बंदा है धर्मेंद्र सिंह परिवार के नाल चरणा कि नशे के खिलाफ साड़ी मुहिम चल रही है, उसके तहत अपन काफ़ी नाके नुके लगाए हुए हैं। तो हुण डाबा थाना के इलाके विच एक अपन नाका लगाया हुआ था पुलिस ने, SHO साहब मान ने मुखबर ने एक आगे खबर दी कि इतने एक नकली CIA का गिरोह एक्टिव हैगा। तो उस नाके पे 33 फुटा रोड के नेड़े बापू मार्केट के नेड़े एक गिरोह साड़ी गिरफ्त में आया, जिथे 4 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। इन 4 बंदों का मुखी था मनप्रीत सिंह एलियस कैप्टन, जो कि पुलिस वाला बनता था कि लाल पटका बांध के फिर उस पर लाल खाकी रंग की पगड़ी बांध लेता सीगा, फिर खाकी रंग की ट्राउज़र पा के लाल बूट पा के, मतलब पुलिस वाला लोगों के कोले था और पुलिस वाला मास्क लगा के वो लोगों को दबके मारता था। नाल 3 प्रवासी हैं, एक संतोष कुमार, एक अशोक कुमार, एक अजय, एक 2 बिहार तो, एक 2 UP तो, एक बिहार तो है, और ये मिलके ऐसे लोगों के नाल ठगी ठोरी कर रहे थे। तो ये बंदे गिरफ्तार हुए हैं, इन्हों को एक गड्डी कुछ कैश रिकवर हुआ है, और इन्होंने हुण तक 5 लोगों के नाल ऐसी ठगी ठोरी मारने की वारदात कबूल की है। 3 लोग सानू आके अभी तक अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, 2 से अपना संपर्क कर रहे हैं,
और बाकी अगर किसी और के नाल भी अगर ऐसी कोई ठगी ठोरी हुई है तो मैं आप जी के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि वो भी एक बार थाने में आके सानू दसे तो अपा उस केस नु और आगे बढ़ाएंगे। कितने लंबे समय से सर ये कर रहे थे? लगभग पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, पर अब इसीलिए अपील कर रहे हैं जो अगर से पहले भी इन्होंने कोई वारदात की है तो पब्लिक सानू आके आपके माध्यम से सानू संपर्क करे तो अपा उसनु भी आके। कितनी वारदात कर चुके हैं? 5 वारदातें कर चुके हैं हूं तक जो इन्होंने कबूली है। अभी तक इनके पे कोई अभी तक ऐसा नहीं आया जो तीनों प्रवासी जड़े हैं इन्होंने स्टेटों से आप लिख के भेजा जे वहाँ पे कोई इन पे पर्चे हैं तो सानू इतला मिल जानी है। पढ़ा गया है कुछ समय पहले गड्डी चोरी हुई थी साडा सिटी PV30R1975 ट्रेस कर रहे थे जो सामने फड़ा गया गुरिंदर सिंह पीछे सारे वाल का रहने वाला है तो इसका गर्मी इसका रहा सी उसका नाम अमृतपाल सिंह है तो इसके पिंड एक और बंदा है इसका नाम है दिलविंदर सिंह ते ये मिलके इंडिया की शिनाख्त करके चोरी कर रहे थे लगभग 2015 करते आ रहे हैं एंड ये जाके गड्डी में बेचते थे एक बंदा है धर्मेंद्र सिंह जी साड़ी गिरफ्त में है मुश्किल चीज ये है कि इन्होंने जब हालात पीछे इन्होंने ऊपर लागू करते हैं गुरिंदर सिंह के ऊपर एक 302 का पर्चा है एक 307 का पर्चा है 9 पर्चे हैं धर्मेंद्र के ऊपर 17 पर्चे हैं अमृत के ऊपर 3 पर्चे हैं तो दिलविंदर के ऊपर 17 पर्चे हैं तो ये ऐसे है इसके जो मास्टर माइंड है गुरिंदर सिंह ये अपना पहले कैट खोलने दिए ये 1992 का भर्ती कैट है 95 में पुलिस की नौकरी छट गया सी तो इसके साथ ही सानू कुछ चोरी की गड़ियाँ बाइकियाँ कुछ गड्डिया का कटा हुआ सामान खराब कुछ मिला है और एक काफ़ी बड़ा आपका पास तो आखिर दे विच तुहानू यही कहांगे कि सतर्क रहो होशियार रहो ना ही कोई थोड़े नाल ठगी मार सके ते ना ही कोई थोड़े नाल चोरी दी वारदात कर सके फिर मिलते हैं होर नवी जानकारी लैके नमस्कार।